नमस्कार, व्यवसाय पिटारा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले बेहद ही सावधानी के साथ फैसला लेना चाहिए। जैसे व्यवसाय में कितनी पूंजी लगेगी, व्यवसाय का प्रबंधन कैसे होगा और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब के बाद शुद्ध लाभ कितना होगा। तो आज के व्यवसाय पिटारा में जानते हैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो इन दिनों काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, और वो है टोफू यानी कि सोया पनीर का व्यवसाय। अगर थोड़ी सूझबूझ और बाजार के मिजाज के अनुसार टोफू या फिर सोया पनीर का व्यवसाय शुरू करें तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ महीनों में ही आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू किया जाए आपका सोया पनीर यानी कि टोफू का व्यवसाय। सोया पनीर का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए की पूंजी जुटानी होगी। इसमें मशीनें और रॉ मटेरियल सब कुछ शामिल है। बॉयलर, जार, सेपरेटर, छोटा फ्रीजर आदि सामान खरीदने में आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्च होगा, और इसके बाद लगभग 1 लाख रुपए में आपको सोयाबीन खरीदनी होगी, और इसके साथ साथ एक ऐसा कुशल कारीगर भी रखना होगा जो कि सोया पनीर बनाने में माहिर हो। दोस्तों, वैसे सोया पनीर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। सोया पनीर बनाना बिल्कुल दूध के पनीर बनाने जितना ही आसान है। फर्क बस इतना है कि सोया पनीर के लिए पहले आपको सोया दूध तैयार करना पड़ता है। यह दूध तैयार करने के लिए पहले आपको सोयाबीन को 1:7 के अनुपात में पानी के साथ फेंटकर उबालना होता है। बॉयलर और ग्राइंडर में 1 घंटे की प्रक्रिया में आपको लगभग 4 से 5 लीटर दूध मिल जाता है। इसके बाद दूध को सेपरेटर में डाला जाता है। इससे दूध दही जैसा गाढ़ा हो जाता है, और इसके बाद बचा हुआ पानी निकाल लिया जाता है, और लगभग 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद आपको सोया पनीर मिल जाता है। अब अगर बात करें सोया पनीर के बाजार भाव की, तो यह 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब मान लीजिए कि इस तरह आप अगर दिन में कम से कम 10 किलोग्राम पनीर भी बनाते हैं, तो इसका बाजार मूल्य लगभग 2000 रुपए हुआ, और मजदूरी के खर्च, बिजली आदि के खर्च को अगर आप 50% भी मानते हैं, तो आपके पास इस हिसाब से महीने के कम से कम 30,000 रुपए बचेंगे। वहीं अगर आप प्रतिदिन 30 से 35 किलोग्राम सोया पनीर बनाकर बेचेंगे तो आप आराम से 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। सोया पनीर का व्यवसाय शुरू करने के लिए यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप MSME के तहत लोन भी ले सकते हैं। लोन पाने के लिए आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को जिला उद्योग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, और इसके बाद मुनाफे और लागत का आकलन कर आपको सब्सिडी वाला लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था व्यवसाय पिटारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए रेडियो पिटारा, मिस कॉल लगाओ, सुनते जाओ।